नमस्कार दोस्तों, मैं राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा भूसा मकोल फीड हम किस तरह तैयार करें जिससे हम अपने पशुओं को खिला सकें। इस भूसा मकोल की जो फीड होता है दोस्तों, ये अगर हमारी गाय भैंस 20 दिन बच्चा करने को रह गई है तभी से इसे खिलाना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर माना जाए न्यूनतम तो हमें लगभग इस फीड को हमारी गाय भैंस बच्चा करने को 2 महीना रह जाता है तब से हम इसे खिला सकते हैं। लेकिन जो हमारे गांव में किसान भाई हैं वो नहीं व्यवस्था कर पाते, नहीं इतना दे सकते, तो उनके लिए दोस्तों हम 20 दिन के लिए बता रहा हूं। वैसे अगर आप खिलाना चाहते हैं 2 महीना पहले भी आप इसे खिला सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये मकोल जो है दोस्तों, जो भूसा मकोल है, ये लगभग दोस्तों कि हमारे जो भी गाय भैंस हैं उनके थन को विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। थन अगर पिचके हैं, छोटे हैं, बहुत कम है तो उसको बड़ा करता है, यानी विकास करता है, बहुत तेजी से विकास होता है और उसमें दूध की ग्रोथ बढ़ती है। वो ये जो भूसा मकोल है आपके पशुओं के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स पैदा करता है कि जिससे उनके थन बड़े होते हैं और दूध की क्षमता को बढ़ाता है और उसके दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भूसा मकोल हमें किस तरह बनाना है, किस तरह खिलाना है, आज हम इस वीडियो में दोस्तों पूरी जो है आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर हम भूसा मकोल की फीड के बारे में बात करते हैं, किस तरह इसे बनाया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, इसके लिए दोस्तों हमें भूसा की आवश्यकता पड़ती है। भूसा आप जानते होंगे यही है, आपको उतना ही भूसा लेना है जितना फीड होता है। तो इसकी विधि के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको लगभग चाहिए 5 किलो मक्का ही आप दोस्तों जानते होंगे, और 20 दिन के लिए लगभग आपको 1 दिन में 1 किलो फीड तैयार करके देना है। किस तरह देना है सारी चीज़ें हम बताता हूँ आपको। हमको इसमें चाहिए 5 किलो जो है मक्का और 1 किलो जो है अरहर की दाल और 1 किलो मटर की दाल और 13 किलो गेहूं, यानी 20 किलो हो जाता है। ये 20 दिन का फीड है दोस्तों, इसको आप मिक्स कर दीजिए, पूरा जो है चारों तरफ से मिक्स कीजिए। इसमें 4 चीज़ें मिलाया गया है, मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको चाहिए इसे जो है 1 केजी आपको लेना है, इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद सुबह में आप इसको पका लीजिए जिस तरह दाल बनाया जाता है। लगभग इसमें 3 लीटर पानी डालिए। 3 लीटर पानी डालने पर दोस्तों ये पूरी तरह से, इस पानी बहुत सोखता है मक्का गेहूं और अरहर की दाल मटर की दाल, तो पूरी तरह से भिगोने के बाद ही इसे करें, नहीं तो कठोर रह जाएगा। आप डायरेक्ट अगर खिलाना चाहेंगे तो क्या है कि कठोर रहेगा, कड़क रहेगा। अगर आपके पशु खाती है तो पीछे से जो गोबर आता है गोबर से निकल जाएगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके वो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो तो बाहर निकल गए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए यही सही तरीका है, उसको भिगो दीजिए, 3 लीटर पानी में उसे पका लीजिए। जब पक जाता है तो उसे उतार लीजिए। उतारने के बाद जितना फीड दिखाई देता है आपको, जो भी फीड आपका है दाना पकाने के बाद, तो उतनी ही मात्रा में एक अंदाज बस आप भूसा ले लीजिए, उस भूसे में मिला दीजिए। मिक्स करके उस भूसे को उतना ही रखना भूसा जितना आपके फीड है। तो इसी को दोस्तों भूसा मकोल कहते हैं। इसके कई फायदे हैं। जो भी अगर आपके गाय भैंस के थन पिचके हैं, कम हैं, छोटे हैं, बच्चा करने वाले है, थन का विकास नहीं हो रहा है और दूध भी बहुत कम देने की उम्मीद है, अगर थन ही नहीं तो दूध कम ही देगी ही, तो ऐसे अगर स्थिति है तो आप दोस्तों इस भूसा मकोल को जरूर खिलाएं और इसके फायदे को देखें। हमें उम्मीद है आप लोग समझ आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।